यू आर वॉचिंग BitBNS News। हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस, मैक्लारन ऑटोमोबाइल वेब 3 प्लेटफॉर्म लॉन्च के साथ मेटावर्स स्पेस में एंटर करता है। वेली शिबा इनु बर्निंग बैंडवैगन ज्वाइन करता है। टॉप वेल एक और बार 100 बिलियन शिबा इनु टोकन्स को खरीदता है, लेकिन उसे एक अननोन वॉलेट में भेजता है जो कि 6.25 ट्रिलियन शिबा इनु टोकन्स को अब होल्ड करता है। लाइटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्वार्टरली लो में $590 बिलियन से गिर गया। ब्राजील के सीनेट ने बिटकॉइन लॉ को मंजूरी दी। बिटकॉइन का हैश रेट और माइनिंग डिफिकल्टी एक नए ऑल टाइम हाई को छूती है। एनिमिका ब्रांड्स फुटबॉल NFT मार्केटप्लेस को लॉन्च करेगा। कीमतों में गिरावट के बावजूद कार्डानो ADA के एड्रेसेस 3.6 मिलियन तक पहुंच गए हैं। रिपल और एनॉन एड्रेसेस द्वारा रिकॉर्ड 610 मिलियन XRP टोकन शिफ्ट किए गए। शिबा इनु और डॉज अब ग्लोबल रियल एस्टेट कंपनी द्वारा रेंट के भुगतान के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे। रशियन सिक्योरिटी एजेंसी ये चाहती है कि एक्सचेंजेस क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स के साथ डेटा को शेयर करे। US अधिकारियों ने डिजिटल संपत्ति के लिए एक अलग रेगुलेटर की मांग की। डूकोन ने $125 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे। कुकॉइन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब 34 मिलियन ब्राजीलियंस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। ब्रिटिश लग्जरी सुपरकार निर्माता मैक्लारेन ऑटोमोटिव ने 28 अप्रैल को मैक्लारेन स्पेशल ऑपरेशंस की शुरुआत की घोषणा की, जो कि एक विशेष नए डिजिटल समुदाय का परिचय देता है जो कंपनी को मेटावर्स रणनीति में अगले अध्याय को रिप्रेजेंट करता है। MSO एक अल्टेलियर है जहां डिजाइनर और इंजीनियर साथ में काम कर सकते हैं, और अब यह डिजिटल वेब 3 दुनिया में फैला हुआ है जो एक समान विचारधारा वाले समुदाय के निर्माणों के साथ साथ प्रदर्शन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की संभावनाओं और बिना डिजाइन के आगे बढ़ने की अनुमति देता है। शिबा इनु थीम वाली बर्गर चेन ने पुष्टि की है कि वह शिबा इनु टोकन को बर्न करना शुरू कर देगा। नेपल स्थित कंपनी अलग अलग तरीके से प्रचलन से टोकन निकालना शुरू कर देगी। इनमें इसके प्रॉफिट्स का भी एक अननोन परसेंटेज बर्न करना शामिल है। वेली का ये कहना है कि अपकमिंग आस्क मी एनीथिंग के दौरान शिबा इनु क्रिप्टो करेंसी की कमी को बढ़ावा देने के लिए वह अपनी योजना के बारे में और जानकारी देगा। आज तक ब्लॉकचेन डेटा ट्रैकिंग वेबसाइट की रिपोर्ट है कि ब्लूवेल 0073 ने एक नए लेनदेन के माध्यम से $2.32 मिलियन के मूल्य के 100 बिलियन शिबा इनु टोकन्स के एक बड़ी लॉट खरीदी है। ब्लूवेल 0073 लेबल वाली पांचवी सबसे बड़ी ETH वेल के लिए शिबा इनु अक्यूमुलेशन को नो स्टॉपिंग है, और इसकी लगातार खरीदी इन्वेस्टर्स के बीच बुलिश सेंटिमेंट को फ्यूल कर रही है। क्रिप्टो बाजार में मंदी के प्रवृत्ति के कारण 2022 के पहले क्वार्टर में लाइटकॉइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम 2021 की पहली क्वार्टर के तुलना में 8 गुना से ज्यादा कम थे। 2022 में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी कम हो रही है, और लाइटकॉइन उन सिक्कों में से है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बीन क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार वर्ष की पहले क्वार्टर के दौरान दर्ज किए गए लाइटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लगभग $82 बिलियन थी। यह जनवरी और मार्च 2021 के बीच ट्रेडिंग मात्रा में $674 बिलियन या फिर 81% की गिरावट देखी गई है। लंबे इंतजार के बाद ब्राजील के बिटकॉइन कानून को आखिरकार सीनेट में एक प्लेनरी सेशन में मंजूरी दी गई है। यह देश में क्रिप्टो नियमों को उचित ढांचे की स्थापना करा देगा। अगले चरण में चेंबर ऑफ डेप्यूटी द्वारा अनुमोदन के लिए बिल की समीक्षा होगी। एक बार चेंबर्स द्वारा अनुमति देने के बाद कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति जायर के फाइनल सिग्नेचर्स की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का ये मानना है कि बिटकॉइन लॉ मटेरियलाइज करने के अंतिम चरण तक साल के एंड तक जा सकता है। बिटकॉइन हैश रेट और माइनिंग डिफिकल्टी दोनों ने कीमत के लिए एक अस्थिर महीने के बीच नई ऊंचाई को छू लिया है। कॉइन मैट्रिक्स के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन नेटवर्क अब औसतन 223.20 एक्स हैश प्रति सेकंड करता है, क्योंकि कंप्यूटर बिटकॉइन माइनिंग लॉटरी जीतने और अगला वैलिड ब्लॉक जमा करने के लिए दौड़ में लगते हैं। BTC.com के डेटा से ये पता चलता है कि हैश रेट के साथ साथ बिटकॉइन माइनिंग की डिफिकल्टी भी अब ऑल टाइम हाई पर आ गई है। ब्लॉकचेन गेम बनाने वाली कंपनी एनिमिका ब्रांड्स ने गुरुवार को ये कहा है कि उन्होंने फुटबॉल केंद्रित डिजिटल एसेट हब लॉन्च करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म वन फुटबॉल के साथ पार्टनरशिप की है। सीट कैपिटल प्रोवाइडर्स लिबर्टी सिटी वेंचर्स के साथ दोनों ने वन फुटबॉल लैब्स नामक एक संयुक्त प्रोग्राम की स्थापना की है जो कि बाजार में जल्द ही शुभारंभ करेगा। वन चेन डेटा एग्रीगेटर मेसरी के अनुसार कार्डानो ब्लॉकचेन का और अधिक अडॉप्शन जारी है, क्योंकि इसके नेटिव टोकन रखने वाले वॉलेट्स की संख्या 3.6 मिलियन तक पहुंच गई है। नेटवर्क में इनमें से ज्यादातर वॉलेट में लगभग 100 ADA है, जिसमें 3000 से अधिक वॉलेट्स में कम से कम 1 मिलियन टोकन्स रखते हैं। इसका ये मतलब है कि नेटवर्क में अपने मोस्ट यूजर्स की तुलना में अधिक वेल है, जो कि इसकी कीमत कम होने के कारण है।